हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज है उनका दिन जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से किया लाखों करोड़ों लोगों को कायल। जी हां, ये है लता मंगेशकर, जिन्हें कहा जाता है सुर कोकिला। आज लता मंगेशकर जी अपना 90वां जन्मदिन मना रही हैं। उनके फैंस से लेकर बॉलीवुड स्टार्स भी अपने अपने तरीके से उन्हें बधाई देने में लगे हुए हैं। वहीं हमने सोचा क्यों ना उनके इस खास दिन पर हम आपको उनसे जुड़ी कुछ खास बातें ही बता दें। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले लता नहीं है उनका असली नाम। लता मंगेशकर का जन्म 1929 में इंदौर में हुआ था। उन्हें लोग नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड कहते हैं। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर, जो एक क्लासिकल सिंगर होने के साथ साथ एक बेहतरीन थिएटर एक्टर भी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब लता का जन्म हुआ था तो उनका नाम हेमा रखा गया था, लेकिन फिर कुछ समय बाद उनका नाम बदलकर लता रखा गया, जो कि उनके पिता के एक प्ले का कैरेक्टर के नाम से लिया गया था। दूसरा, एक्टिंग भी कर चुकी हैं लता। ये भी काफी दिलचस्प बात है। लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र में अपने पिता के म्यूजिकल प्ले संगीत नाटक मराठी में काम किया था। वहीं इसके बाद एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट ही उन्होंने मास्टर विनायक की पहली हिंदी फिल्म बारी माँ में भी काम किया, जो 1945 में आई थी। आलोचना का भी किया है सामना। अपनी सुरीली और दिल में उतर जाने वाली आवाज से उन्होंने कभी ऑडियंस के दिल में प्यार जगाया तो कभी आंखों में आंसू भर दिए। लेकिन काफी कम लोग ही ये बात जानते होंगे कि शुरुआती सफर में पतली आवाज होने की वजह से लता मंगेशकर को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। लेकिन उनकी आवाज का जादू तो चलना ही था। उन्होंने 1948 में आई फिल्म मजबूर के गाने दिल मेरा तोड़ा गाया। उसके बाद फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला से उन्हें पहचान मिली। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 14 भाषाओं में करीब 50,000 गाने गा लिए हैं। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम शामिल। आपको दोस्तों ये भी जान लेना चाहिए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1974 से 1991 तक लता मंगेशकर का नाम दुनिया की सबसे ज्यादा गाने वाली सिंगर के तौर पर दर्ज किया गया। कहा जाता है कि उन्होंने 1948 से 1974 तक करीब 25,000 एकल, युगल और कोरस के साथ गाने गाए थे। ये गाने 20 अलग अलग भाषाओं में गाए गए थे। 1991 में ये कैटेगरी हटा दी गई थी, लेकिन 2011 में वापस इंट्रोड्यूस की गई। मोहम्मद रफी के साथ लता का झगड़ा। आपको बता दें, युगल गीतों पर रॉयल्टी के भुगतान के मुद्दे पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच मतभेद हो गए थे, जिसके बाद इन दोनों गायकों ने करीब 3 साल तक साथ गाना नहीं गाया। और इस बात की जानकारी मोहम्मद रफी की बहू यास्मीन खालिद रफी की किताब मोहम्मद रफी मेरे अब्बा के जरिए सामने आई थी। जब मरने से बाल बाल बची थी लता मंगेशकर। 1963 में किसी ने लता मंगेशकर को स्लो पॉइजन देकर मारना चाहा था। इस बात की जानकारी वेटरन राइटर पद्मा सचदेवा की बुक ऐसा कहां से लाऊं के जरिए सामने आई थी। दरअसल लता मंगेशकर को एक दिन पेट में दर्द हुआ और उनकी हालत काफी खराब होने लगी थी। तब डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि उन्हें किसी ने स्लो पॉइजन दिया है। आपको बता दें, करीब 10 दिनों के बाद उनकी हेल्थ में थोड़ा सुधार आया था। जब लता मंगेशकर का गाना सुनकर रो पड़े थे नेहरू। 27 जनवरी 1963 की बात है। उस समय लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाया था। उनकी सुरीली आवाज का जादू उस समय प्रधानमंत्री रह चुके पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी छाया था। वो उनका गाना सुनकर रो पड़े थे। लता मंगेशकर ने किया ये खास अवार्ड अपने नाम। लता मंगेशकर को वैसे तो कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है, लेकिन जो खास अवार्ड उन्होंने अपने नाम किया था वो था नॉन क्लासिकल सिंगर कैटेगरी में भारत रत्न अवार्ड। यह अवार्ड हासिल करने वाली लता मंगेशकर भारत की दूसरी सिंगर बनी थी। उनसे पहले यह अवार्ड MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। सबसे पावरफुल महिला लता मंगेशकर। लता मंगेशकर की कामयाबी ने उन्हें इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल महिला बना दिया था। वेल, तो ये थी लता मंगेशकर जी से जुड़ी कुछ खास बातें। उनके जन्मदिन के मौके पर हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे।